मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बॉलीवुड के एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे 19 अप्रैल 1996 में रिलीज हुई सुपरस्टार अजय देवगन और मिथुन चक्रवर्ती सर की फिल्म जंग मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे जंग मूवी, मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट जो आप उससे ना जान हैं। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे जंग मूवी से जुड़े कुछ ऐसे और रोमांटिक बातें जो आप उससे ना जान हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जंग 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली दोहरी भूमिका में है। सुपरस्टार अजय देवगन, रंभा और सदाशिव, अमरा पुकर, टीनू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। फिल्म जंग में मिथुन और अजय देवगन भाई है, लेकिन प्रतिस्थितियों के कारण पुलिस अधिकारी मिथुन को न्याय की रक्षा के लिए अपने भाई के साथ तलवारें पार करनी पड़ी। फिल्म का तीसरा कौन आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित दोहरी भूमिका है और एक नकारात्मक और सकारात्मक है। और दोस्तों, बात करें अर्जुन सक्सेना की भूमिका पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिल्म निर्माताओं ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उनके चित्रित की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मना कर दिया। सुपरस्टार अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को दी गई थी, फिर अक्षय कुमार को, और लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी है अब, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क किया सुनील शेट्टी, लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में सैकड़ों रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा सहस और वारदात वांटेड, बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं प्यार ही बहना
जैसे फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश डांस डांस प्रेम प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम अग्निपथ युद्धर युगंधर और द डॉन और जल्लाद उन्हें से एकांत में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आर्यम कृष्णा आयर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा उन्हें से 92 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें से बंगाली हिंदी और उड़िया भोजपुरी तमिल तेलुगु कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। यम वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्मी रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धराक है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1993 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरत और मंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर नियमिन के अध्यक्ष भी थे और जो सिने और श्रमिक के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कैरियर की शुरुआत फिल्मी कैरियर की शुरुआत डेब्यू और स्टारडम 1976 से 1990 तक मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 2 अनजाने 1976 और फूल खिले है गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का सम्मत प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लंच हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपने 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बने के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन पारिवारिक ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई और फिल्मों में 110 से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम पांच 1980 में
भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई। 1983 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपरस्टार ड्रम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रिय को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बाबर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्टि भी उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984 जाल 1986 दिलवाला 1986 मुद्दत 1986 वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्में प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंभा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंभा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिर
फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया, और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्युम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी, और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल विरुद्ध देगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की, और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिलजले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी, सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों, बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया, और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी, और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और उनकी अगली फिल्म विजय पथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजय पथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय देवगन, और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
उनकी अगली रिलीज हकीकत थी, जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान जान नामक के एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्म में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता, गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में, यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघाट 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्न नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघाट 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक कामुक सौतेली माँ की भूमिका निभाई, जो अपने सौतेले बेटे के बहकाने का प्रयास करती है, जिसे उसके द्वारा फटकार लगाई जाती है और फिर उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है। जंग 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पंचोली दोहरी भूमिका में है। सुपरस्टार अजय देवगन, रंभा और सदाशिव, अमरा पुकर, टिन्नू आनंद और सुजाता मेहता ने अभिनय किया है। फिल्म जंग में मिथुन और अजय देवगन भाई है, लेकिन प्रतिस्थितियों के कारण पुलिस अधिकारी मिथुन को न्याय की रक्षा के लिए अपने भाई के साथ तलवारें पार करनी पड़ी। फिल्म का तीसरा कोण आदित्य पंचोली द्वारा चित्रित दोहरी भूमिका है और एक नकारात्मक और सकारात्मक है। और दोस्तों बात करें अर्जुन सक्सेना की भूमिका पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माताओं ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उनके चित्रित की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मना कर दिया। सुपरस्टार अजय सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को दी गई थी, फिर अक्षय कुमार को, और लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ी
छोड़ दी है और क्योंकि उनका उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क और किया सुनील शेट्टी, लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में सैकड़ों रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर। के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा, सहस और वारदात, वांटेड, बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं प्यार ही बहना जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश डांस डांस, प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, अग्निपथ, युद्धर, युगुंधर और द डॉन और जल्लाद 1991 में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आयर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा 1992 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से बंगाली, हिंदी और उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्म रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धरा है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर नियमिन के अध्यक्ष भी थे और जो सिने और सिर्मी के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों, अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कैरियर की शुरुआत। फिल्मी कैरियर की शुरुआत डेबी और स्टारड्रम 1976 से 1990 तक। मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 2 अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन 1978 जैसी
फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का समर्थ प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती स्वयं संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बने के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन पारिवारिक ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई और फिल्मों में 110 से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम 1980 में भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपर स्टारडम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बब्बर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्टि भी उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984 जाल 1986 दिलवाला 1986 मुद्दत 1986 वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग दो दशक के करियर में
रंबा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंबा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंबा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्में प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंबा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंबा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंबा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्धुम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल देवगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 14 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की और इसके बाद वह जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिलजले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे।
1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी, सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया, और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय को। अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी, जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान नामक एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी, और इस सफल फिल्मों में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता। गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है, जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में, यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक
ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघात 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्न नग्न और नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघात 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक काम है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क और किया सुनील शेट्टी, लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में सैकड़ों रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर। के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा सहस और वारदात, वांटेड, बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं प्यार ही बहना जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश डांस प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, अग्निपथ, युद्धर, युगुंधर और द डॉन और जल्लाद 1991 में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आयर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा 1992 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें से बंगाली, हिंदी और उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्मी रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धराक है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर द नियमिन
के अध्यक्ष भी थे और जो जोशीने और शर्मी के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की करियर की शुरुआत। फिल्मी करियर की शुरुआत डेब्यू और स्टारडम 1976 से 1990 तक मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मार गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और दो अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का समर्थन प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती स्वयं संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है। और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी, जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बने के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई और फिल्मों में 110 से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम 1980 में भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपर स्टारडम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बाबर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्टि भी। उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे।
उन्होंने उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है। उन्हें से 82% अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984, जाल 1986, दिलवाला 1986, मुद्दत 1986, वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा। रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में, मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म स्वर्गम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीवी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्म प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंभा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंभा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंभा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंभा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्युम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल देवगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4वें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशा और करियर की शुरुआत की और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिलजले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान नामक एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बबेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्मों में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई।
सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघात 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्न नग्न और नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघटना 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक कामुक सौतेली माँ की भूमिका निभाई जो अपने सौतेले बेटे के बहकाने का प्रयास करती है जिसे उसके द्वारा फटकार लगाई जाती है और फिर उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है। यतीम उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और फिर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक के लिए नामांकन भी दिलाया। सुजाता ने खुद को एक निश्चित और छवि तक सीमित नहीं रखा और उन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक होने का सक्सेना की भूमिका पहले चंकी पांडे को दी गई थी फिर अक्षय कुमार को और लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी है और क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क और किया सुनील शेट्टी लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में सैकड़ों रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर। के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा सहस और वारदात वांटेड बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं प्यार ही बहना जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश डांस प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम अग्निपथ युद्धर युगुंधर और द डॉन और जल्लाद 1991 में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आर्यम
कृष्णा अय्यर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा 1992 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए दो और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से बंगाली, हिंदी और उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। यम वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्मी रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धरा है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरत और मंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर नियमिन के अध्यक्ष भी थे और जो सिने और शर्मी के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कैरियर की शुरुआत। फिल्मी कैरियर की शुरुआत डेबी और स्टारड्रम 1976 से 1990 तक मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और दो अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का समर्थन प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारड्रम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी, जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बने के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई और फिल्मों में 110 से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम 1980 में भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई
1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपर स्टार ड्रम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बब्बर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्ट भी। उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984, जाल 1986, दिलवाला 1986, मुद्दत 1986, वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्म प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंभा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंभा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया और जबकि उस पर फिल्म के इंसा
फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्धुम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल देवगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिल जले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी, सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी, जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी।
1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान जान नामक के एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बावेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्म में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता, गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में, यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघाट 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्न नग्न और नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघाट 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। फिर अक्षय कुमार को और लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी है और क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क और किया सुनील शेट्टी, लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही।
भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा, सहस और वारदात, वांटेड, बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं प्यार ही बहना जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश डांस डांस प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, अग्निपथ, युद्धर, युगुंधर और द डॉन और जल्लाद 1991 में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आयर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा 1992 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं जिनमें से बंगाली, हिंदी और उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्म रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धराक है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरत और मंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर नियमिन के अध्यक्ष भी थे और जो सिने और शर्मी के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की कैरियर की शुरुआत। फिल्मी कैरियर की शुरुआत डेबी और स्टारडम 1976 से 1990 तक मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 2 अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का समर्थन प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती स्वयं संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपने 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बनी के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की
कई और फिल्मों में एक से दस से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम 1980 में भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपर स्टारडम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रिय को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बब्बर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्टि भी। उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984, जाल 1986, दिलवाला 1986, मुद्दत 1986, वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्में प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंभा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी।
उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंबा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया, और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्युम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी, और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल विरुद्ध देगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने सबसे अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की, और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिलजले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी, सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों, बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया, और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी, और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म
नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सअभिनय किया अजय को। अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी, जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान नामक के एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बवेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्मों में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता, गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है, जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में, यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर, जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघाट 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया, और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई, जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघाट 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक कामुक सौतेली माँ की भूमिका निभाई, जो अपने सौतेले बेटे के बहकाने का प्रयास करती है, जिसे उसके द्वारा फटकार लगाई जाती है और फिर उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है। फिर अक्षय कुमार को और लेकिन दोनों अभिनेता ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी है, और क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट किया, लेकिन अर्जुन सक्सेना का रोल अभी भी खाली था। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया और लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्हें खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने संपर्क और किया सुनील शेट्टी, लेकिन उन्हें भी व्यक्तिगत कार्यक्रम के कारण प्रोजेक्ट छोड़ दिया।
और उन्होंने भी इस भूमिका के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब निर्माताओं ने मिथुन चक्रवर्ती से संपर्क किया और उन्हें यह कहकर कि इस भूमिका को स्वीकार कर लिया कि वह इस प्रकार के पात्रों के लिए हमेशा तैयार है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ है जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। वह राज्यसभा के पूर्व सांसद है और वह 2 फिल्मफेयर पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मुर्गिया 1976 से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। सुपरस्टार चक्रवर्ती ने 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में सैकड़ों रुपये की कमाई करने वाली पहली फिल्म थी डिस्को डांसर। के अलावा मिथुन चक्रवर्ती को सुरक्षा, सहस और वारदात, वांटेड, बॉक्सर और प्यार झुकता नहीं, प्यार ही बहना जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। अविनाश, डांस, प्रेम प्रतिज्ञा और मुजरिम, अग्निपथ, युद्धर, युगुंधर और द डॉन और जल्लाद 1991 में उन्होंने अग्निपथ फिल्म के कृष्णा आयर और नारियाल पानी वाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और बाद में उन्हें तहदार कथा 1992 में और स्वामी विवेकानंद 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से बंगाली, हिंदी और उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी चित्र शामिल है। वह 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19वें फिल्मी रिलीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धराक है और नवंबर 2021 तक बॉलीवुड में रिकॉर्ड अभी भी टूटता है। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने मोनार्क समूह के मालिक है और जिसकी स्थिति और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है और उन्होंने पापराजी प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट और एसोसिएशन नाम की जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो और सेटिंग एंड अलाइड और मंजूर नियमिन के अध्यक्ष भी थे और जो सिने और सिर्मी के कल्याण का ख्याल रखता है। और दोस्तों, अब बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की करियर की शुरुआत। फिल्मी करियर की शुरुआत डेब्यू और स्टारडम 1976 से 1990 तक। मिथुन चक्रवर्ती ने मृणाल सेन की राष्ट्रीय फिल्म विजेता फिल्म मर गया 1976 से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 2 अनजाने 1976 और फूल खिले हैं गुलशन 1978 जैसी फिल्मों में कुछ छोटी भूमिका निभाने के बाद उनकी पहली बड़ी सफलता फिल्म 1978 की फिल्म मेरा रक्षक थी। उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को उनकी नदी थेके सागर की सहकलाकार और देवाश्री राय का समर्थन प्राप्त था। वह कम बजट की जासूसी फिल्म सुरक्षा के साथ स्टारडम तक पहुंचाए। 1979 रविकांत नागाइच द्वारा निर्देशित यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका वाली कई फिल्मों में लॉन्च हुई। दीपक बहरी के साथ उनका यह फिल्म इतनी सफल रही कि मिथुन चक्रवर्ती
कि नितिन चक्रवर्ती स्वयं संयोजक भी और 1979 तक तरना के साथ अपनी 1979 तक तरना के साथ अपनी पहली बार हुआ और उन्होंने 1980 के दशक में हमसे बढ़कर कौन और हमसे बढ़कर कौन है और हमसे है जमाना और वो जो हसीना जैसी कई हिट फिल्मों के साथ किया है और 1970 के दशक के अंत तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए एक और महत्वपूर्ण फिल्म प्रेम विवाह थी जिसका निर्देशक वासु चटर्जी ने किया था। सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में असंभव और नायकों के ब्रांड और सामने की पंक्तियों के लिए बने के लिए साथ ही हिंदी सिनेमा पर प्रभाव डाला और उन्होंने इस दशक में एक्शन पारिवारिक ड्रामा रोमांस और कॉमेडी जैसी विभिन्न शैलियों की कई और फिल्मों में 1 से 10 से अधिक फिल्मों में रिलीज में अपने अभिनय किया। मिथुन चक्रवर्ती ने सुपरहिट फिल्म मल्टी स्टार हम 5 1980 में भीम की भूमिका निभाई और उन्होंने टैक्सी चोर 1980 में पहली बार दोहरी भूमिका निभाई और बाद में 19 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपरस्टार ड्रम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बाबर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्ट भी। उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उनकी कॉमेडी फिल्म में शामिल है 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984 जाल 1986 दिलवाला 1986 मुद्दत 1986 वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर
और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्में प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंबा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंबा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंबा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्धुम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल विरुद्धगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 14 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिलजले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों, बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया
और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकु कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया। विजयपथ साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान नामक के एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बबेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्मों में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघाट 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघाट 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक कामुक सौतेली माँ की भूमिका निभाई जो अपने सौतेले बेटे के बहकाने का प्रयास करती है जिसे उसके द्वारा फटकारा
फटकार लगाई जाती है और फिर उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है। यतीम उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रशंसा और आलोचनात्मक प्रशंसा और फिर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक के लिए नामांकन भी दिलाया। सुजाता ने खुद को एक निश्चित और छवि तक सीमित नहीं रखा और उन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक होने के बावजूद हर तरह की भूमिका निभाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा और दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1982 में उन्होंने संगीत डिस्को डांसर में अपनी सबसे पहचानी जाने वाली प्रमुख भूमिका के बाद सुपरस्टार ड्रम की ओर कदम बढ़ाया और जिसने भारत और रूस में चक्रवर्ती की लोकप्रियता को बढ़ाया। उन्होंने एक डांसिंग स्टार के रूप में स्थापित किया और फिल्म के निर्देशक बब्बर सुभाष ने चक्रवर्ती को साथ फिर से कॉल्ट म्यूजिकल फिल्म और कसम पैदा करने वाले की 1984, डांस 1987 और कमांडो 1988 के साथ काम किया। जो फिल्म सफल भी रही और उनकी 1985 की सुपरहिट फिल्म प्यार झुकता नहीं ने उनकी शीर्षक स्टार स्थिति की पुष्टि भी। उसी वर्ष की उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी में जानवर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा गया। मिथुन चक्रवर्ती ने 1986 में भारत के सबसे अधिक करदाता भी बने और चक्रवर्ती के सबसे सफल पारिवारिक नाटकों में से मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984 और सौराग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 शामिल थे। उन्हें 1982 पसंद अपनी 1983 और बात बन जाए 1986 और एक्शन फिल्में जैसे जागीर 1984, जाल 1986, दिलवाला 1986, मुद्दत 1986, वतन के रखवाले 1987 शामिल है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री रंभा एक भारतीय अभिनेत्री है। लगभग 2 दशक के करियर में रंभा ने मलयालम, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कुछ बंगाली, भोजपुरी और अंग्रेजी फिल्मों के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था। वह 90 के दशक और सन 2000 के दशक में दक्षिण भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में और विजयलक्ष्मी के रूप में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और एकांशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विजयवाड़ा में की और रंभा ने 15 साल की उम्र में अपनी शिक्षा छोड़ दी और फिर बिनती के साथ हरिहरन की मलयालम फिल्म सरगम 1992 से अपना करियर शुरू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने निर्देशक ईबीबी सत्यनारायण ने देखा, जिन्होंने तब उन्हें तेलुगु फिल्म आओका और कद्दू की 1992 में कास्ट किया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ जोड़ा गया था और फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे भारत में कई अलग अलग फिल्म उद्योग में अभिनेत्री के लिए कई फिल्म प्रस्ताव से प्रेरित किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान रंभा ने जानबूझकर चिरंजीवी अभिनेत्री रंभा उन भूमिकाओं में दिखाई दी और कथानक के लिए अप्रासंगिक थी और
विशुद्ध रूप से मुख्य अभिनेता की प्रेम रुचि के रूप में चित्रित की गई थी। उन्होंने थ्री जोश 2003 में अपने भाई की मदद से एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसमें ज्योतिका और लैला और रंबा ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और फिर फिल्म की रिलीज के बाद भी वह भारी कर्ज में डूब गई। कर्ज चुकाने के लिए उनके चेन्नई में माउंटेन रोड में अपना घर बेच दिया, और जबकि उस पर फिल्म के फाइनेंसरों द्वारा दायर एक चेक और बाउंस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था। रंबा ने कई भाषाओं में अभिनय किया और हमेशा मलयालम, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में एक सफल संतुलन बनाए रखा। 2010 में रंबा ने प्रकाश राज के साथ एक थ्रिलर फिल्म के लिए शूटिंग की जिसका नाम विद्धुम वरई और कथिरु था। फिल्म को 3 भाषाओं में तमिल, तेलुगु और मलयालम में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। और अपनी शादी के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी, और क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म में उनकी लोकप्रियता फीकी पड़ गई, जहां उन्होंने देखा कि उन्हें पहले की तरह भावपूर्ण भूमिका नहीं मिल रही थी। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार विशाल देवगन, जिन्हें पेशावर रूप से अजय देवगन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अजय देवगन ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल है। 2016 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के 14 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुपरस्टार अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे के साथ अपने पेशावर करियर की शुरुआत की, और इसके बाद हुआ जिगर 1992, संग्राम 1993, दिलवाले 1994 और दिल जले जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करने वाले एक एक्शन हीरो के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1996 में उन्हें जख्म, 1998 हम दिल दे चुके सनम, 1999 कंपनी, सन 2002 और दीवानगी 2002 और द लेडीज ऑफ भगत सिंह 2002 में समीक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया। दोस्तों, बात करें अजय देवगन ने 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब में अभिनय किया, जो एक प्रेम त्रिकोण और बदला जैसे रोमांटिक विषय के बारे में एक फिल्म थी। उन्होंने अगली बार दिव्या शक्ति और फिर संग्राम में अभिनय किया, जो दो पिताओं के बीच दुश्मनी की कहानी है। सुपरस्टार अजय देवगन ने इसके बाद दीपक बहरी के साथ काम किया, जिन्होंने एक्शन फिल्म एक ही रास्ता का निर्देशन किया, और दीपक पावर के साथ जिन्होंने प्लेटफॉर्म का निर्देशन किया, और उस वर्ष अन्य रिलीज शक्तिमान और धनवान और बेदर्दी थी। 1994 में अजय देवगन ने हैरी बबेजा की रोमांटिक एक्शन फिल्म दिलवाले में अभिनय किया। उन्होंने अरुण सक्सेना की भूमिका निभाई, जो वैदिक रूप से विकलांग और व्यक्तित्व था। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म कानून और फिर अक्षय कुमार के साथ कुकू कोयली द्वारा सुहाग थी। फिल्म दो दोस्तों के बारे में थी, और अजय देवगन ने अजय शर्मा मल्होत्रा की भूमिका निभाई। सुहाग साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और उनकी अगली फिल्म विजयपथ थी। विजयपथ की शूटिंग की तारीख के कारण करण अर्जुन से टकरा गई, जिसे अजय देवगन ने मना कर दिया।
विजय पथ साल की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और 1995 में अजय देवगन ने महेश भट्ट की फिल्म नजायज और फिर मिलन लुथारिया द्वारा निर्देशित हलचल में दिखाई दिए। अभिनेत्री काजल ने सह अभिनय किया अजय को। अजय देवगन और काजल फिर गुंडा राज में दिखाई दिए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उनकी अगली रिलीज हकीकत थी, जिसमें तब्बू के साथ मुख्य भूमिका निभाई और यह फिल्म साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। 1996 में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती और रंबा आदित्य पंचोली के साथ एक्शन फिल्म जंग में अभिनय किया और उनकी अगली रिलीज ट्विंकल खन्ना के साथ जान नामक के एक एक्शन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हैरी बावेजा की फिल्म दिलजले में अभिनय किया, जहां उन्होंने सक्का नामक की एक आतंकवादी की भूमिका निभाई। 1997 में अजय देवगन ने ट्विंकल खन्ना के साथ खराब रूप से प्राप्त किया और इतिहास में अभिनय किया। उनकी अगली रिलीज आमिर खान, जूही चावला और काजल के साथ इंद्र कुमार की रोमांटिक कॉमेडी इक्स थी और इस सफल फिल्मों में अजय देवगन ने एक गरीब लड़की काजल के प्यार के एक अमीर लड़के अजय की भूमिका निभाई। फिल्म ने 30 करोड़ की क्लब में शामिल हो गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुजाता मेहता, गुजराती मूल की एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। जिन्हें प्रतिघाट 1987 में, यतीम 1988 और गुना 1993 में सहायक भूमिकाओं में उनकी मुख्य भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म पुरुषोत्तम 1987 में मुख्य भूमिका निभाई। सुजाता ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती मंच और नाटकों में भाग लेकर जिसने उन्हें छोटे छोटे कैमियो निभाए और कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पहला बड़ा ब्रेक एन चंद्रा की सामाजिक फिल्म प्रतिघाट 1987 में नाना पाटेकर के साथ आया और जहां उन्होंने एक कॉलेज शिक्षक की भूमिका निभाई, जिसे गैंगस्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से निम्न नग्न किया जाता है। यह फिल्म मुख्य भूमिका मूल रूप से तेलुगु फिल्म प्रतिघाट 1986 में विजय शक्ति द्वारा निभाई गई थी। सुजाता को फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए देखा गया और उसकी सराहना की गई। और जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म यतीम 1988 में उन्होंने एक कामुक सौतेली माँ की भूमिका निभाई, जो अपने सौतेले बेटे के बहकाने का प्रयास करती है, जिसे उसके द्वारा फटकार लगाई जाती है और फिर उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाता है। यतीम उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और फिर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहायक के लिए नामांकन भी दिलाया। सुजाता ने खुद को एक निश्चित और छवि तक सीमित नहीं रखा और उन्होंने सकारात्मक या नकारात्मक होने के बावजूद हर तरह की भूमिका निभाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा और दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।